गाजियाबाद के पॉश इलाके में इंदिरापुरम में वाहन चेकिंग के लिए कार को रोकने के लिए एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के लिए भारी ये पड़ गया। दरअसल कार को रोकने के लिए पुलिसकर्मी ने इशारा किया, इसी दौरान कार रोकने के बजाय ट्रैफिक पुलिसकर्मी को कुचलने की नीयत से कार पुलिसकर्मी पर चढ़ने की कोशिश की। इस पूरे घटनाक्रम में ट्रैफिक पुलिसकर्मी काफी दूर तक कार की बोनेट पर चढ़ता हुआ काफी दूर गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने चारों तरफ से कार को घेर कर दोनों आरोपियों को पकड़ा, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से एक गाजियाबाद का रहने वाला है और एक हरियाणा का रहने वाला है। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की। पुरम थाना क्षेत्र अंतर्गत सिप्रा कट के पास ट्रैफिक पुलिस रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे थे, उसी दौरान एक टाटा अल्ट्रोज गाड़ी सामने से आती हुई दिखी। रूटीन चेकिंग के लिए उन लोगों ने उसको रुकने का इशारा किया। कार सवार रुके नहीं, बल्कि उनको रोकने के चक्कर में उन्होंने जो वहां पे सिपाही चेकिंग कर रहा था उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की नियत से उन लोगों ने स्पीड बढ़ाई, जिसपे कि वह सिपाही उनके बोनट पे आ गया। उसके बाद भी इन लड़कों ने उस अपनी गाड़ी नहीं रोकी, जिससे उसके जान का खतरा पैदा हुआ। आगे चल के इंदिरापुरम पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उसमें गाड़ी चालक और उसका साथी दोनों गिरफ्तार हो गए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति अभी त्यागी जो यही इंदिरापुरम का रहने वाला है और दूसरा अक्षित त्यागी वह हरियाणा का रहने वाला है, और यह दोनों आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। विधिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं।